काफ़ी अच्छा रहा और बहुत मेहनत थी बहुत, पर ऐसा लगा नहीं कि कभी भी कि कुछ मतलब इतना टाइम बीत गया, बहुत जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ, बहुत स्मूथली हो गया, तो आई थिंक वो बेस्ट पार्ट था। हाँ, और मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतनी जल्दी इतना टाइम हो गया और पता भी नहीं चला। आई थिंक हमें थोड़ा ज़्यादा वो मोमेंट्स को जीना चाहिए, लिव एवरी मोमेंट। ऐसा इफ़ यू डोंट स्टॉप एंड लुक अराउंड एंड पे अटेंशन, लाइफ ऐसे निकल जाती है। बहुत एक्चुअली पता ही नहीं चला ये 200 एपिसोड कैसे निकल गए, मतलब 8 महीने भी नहीं हुए और 200 एपिसोड, मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी। बट आफ्टर यू नो इतना टाइम स्पेंड करके सेट में इतना अच्छा लगता है, एंड आई थिंक हमें पता ही नहीं चला कि कब इतने एपिसोड्स हमने निकाले, क्योंकि टीम इतनी अच्छी है और हम मोस्टली यहाँ पे अपने सीन को लेकर इतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ घुसे रहते हैं कि कब निकल गया एक्चुअली पता नहीं चला, ट्रस्ट मी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द कमिंग एपिसोड्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है दर्शकों को। अभी तो अबीर ब्रो और मुश्ती का यू नो ब्रेकअप हुआ है, फिर पैचअप होगा, फिर शादी होगी नहीं होगी, बहुत ड्रामा पेंडिंग है, जो कि आई थिंक हाँ 2000-3000 एपिसोड्स तक तो हमें भी जाना चाहिए एक्चुअली। जब 4-5 लोग हैं ये इस फैमिली के, ये जब साथ बैठते हैं जिसमें परुल मासी हो गई, जुगनू हो गया, नानको, मैं, तो मतलब किसी की शामत आई होती है या तो किसी का मजाक उड़ रहा होता है। वो मोमेंट आई गेस हम अक्सर यहाँ सोफों में बैठे होते हैं और इवन आफ्टर शूट हमारा हमें कह दिया जाता है कि आपका सीन हो गया आप जा सकते हैं, लेकिन हम यहीं बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं घंटों तक। आई गेस दैट इज समथिंग विच इज़ कमिंग इन टू माई माइंड कि हम कैसे होते हैं सेट पे, कितना एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, ये सफ़र तो बहुत ही रोमांचक था क्योंकि हमने शुरू आउटडोर शूट से किया था और धूप मेहनत, इनफैक्ट वाइट डेजर्ट में हम दौड़े हैं धूप में 12 बजे, एंड सफ़र बहुत ही यू नो जैसे मेहनत और जो शुरू में था, मैं कहती हूँ कि अभी 200 एपिसोड्स के बाद भी सेम काइंड ऑफ एफर्ट है सबकी तरफ से और दिस शो विल डेफिनेटली वर्क, दैट्स वुड। आई थिंक राजन सर ने जो भाइयों की बॉन्डिंग दिखाई है मैंने कहीं पे भी नहीं देखी, रियल लाइफ में भी नहीं देखी। और काफ़ी मतलब एज एन आर्टिस्ट आपको भी बहुत फील होता है जब आप ऐसा करते हो, एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग यू एज आर्टिस्ट एज वेल। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत अच्छे सीन्स किए, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा कुणाल और अबीर के बीच में। हम खुद इनिशियली उतने कन्विंस नहीं थे, बट जब हमने करना शुरू किया तो नाउ इट फील्स लाइक यू नो कि इतने अमेजिंग भाई भी हो सकते हैं, वी नेवर थॉट। एंड या बाकी सारे जो भी सब कैरेक्टर्स के आपस में इक्वेशंस हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, हर एक कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है अपने आप में और हर एक कैरेक्टर उसका अपना एक से है, तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो को बनाता है। एक्चुअली हमें भी फाइट करते करते हमने अपनी जर्नी शुरू की थी और अभी इतना प्यार है, सोल सिस्टर्स बन गए हम। एंड एक्चुअली या कुहू एंड मिश्टी हैव आल्सो गॉन द लॉट ऑफ थिंग्स, और अभी मिश्टी भी कुहू को सपोर्ट करती, कुहू भी मिश्टी को सपोर्ट, वी आर लाइक डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आई थिंक कपल्स भी बुरे नहीं, ऑफ कोर्स सब भाई और बहनों की तारीफ कर रहे हैं, बट आई रियली लव देयर कपल एज मच एज आई लव आवर कपल। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी डिसफंक्शनल एक रिलेशनशिप मैं कभी भी दर्शाऊंगा, एंड प्लस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच क्योंकि दोनों का प्यार नहीं मिल पा रहा दोनों को, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।